हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट एग्जाम स्टडी IQ पर। आज है 13 अक्टूबर 2021 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अक्टूबर 2021 को विश्व गठिया दिवस मनाया गया है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गठिया रोग, जो कि आमतौर पर शरीर के जोड़ों में होता है, के दुष्प्रभावों, कारणों व इससे बचने के उपायों के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना है। और इस दिवस को सर्वप्रथम 1996 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पर्यटक गांव नामक परियोजना की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर में वहाँ के चिन्हित 75 गांवों को आदर्श पर्यटक गांव के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पर्यटक गांव नामक परियोजना की शुरुआत की गई है। और इस परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पंचारी गांव से की गई है। बात करें जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि मई से अक्टूबर तक होती है। दूसरी राजधानी है जम्मू, जो कि नवंबर से अप्रैल तक होती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मिठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? एम रविचंद्रन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। बात करें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में, तो इसका गठन 29 जनवरी 2006 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक दिवसीय मैच में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है? आयरलैंड देश की महिला खिलाड़ी एमी हंटर द्वारा जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ एक दिवसीय मैच में शतक लगाकर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है। और इससे पहले यह खिताब भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज के नाम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की गई है? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा पंजाब के गांवों और कस्बों में स्थित लाल डोरा में रहने वाले लोग, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते आ रहे हैं, उन्हें जमीन का मालिका हक प्रदान करने हेतु मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की गई है। अब यह एक लाल डोरा नामक वर्ड का यूज हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह लाल डोरा ऐसी संपत्तियां या जमीन है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में आवास भूमि के रूप में पंजीकृत नहीं होती है, और उन पर रहने वाले लोगों को अब पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मालिकाना हक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। बात करें पंजाब राज्य के बारे में, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और पंजाब हाई कोर्ट को चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहा जाता है, जो कि पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाई कोर्ट है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? झारखंड कैडर के IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ये मानव संसाधन और सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस उम्र से अधिक के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? ठीक है, 2 साल से अधिक के बच्चों को वैक्सीन के तौर पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है, और यह मंजूरी DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई है, और भारत में बच्चों को लगने वाली यह पहली वैक्सीन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर PM वाणी परियोजना की शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में PM वाणी परियोजना की शुरुआत की गई है, और इस परियोजना की शुरुआत कुर्नूल जिला, जो कि राज्य की तीसरी राजधानी भी है, वहाँ से की गई है, और इस परियोजना के अंतर्गत हर जगह वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे ताकि डिजिटलीकरण को बढ़ावा प्रदान किया जा सके। बात करें आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, जिनमें पहली है विशाखापत्तनम, जहां पर कार्यपालिका स्थित होगी, दूसरी है अमरावती, जहां पर विधानसभा स्थित है, और तीसरी है कुर्नूल, जहां पर आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत पे का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को भारत पे का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें भारत पे के बारे में, तो यह एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और भारत पे के संस्थापक हैं असनीर ग्रोवर और सासवंत नकरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा देश के मेंटर और आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश के मेंटर और बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स नामक इन 2 कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। बात करें दिल्ली के बारे में, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नरन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा UNDP हैंडबुक लॉन्च की गई है? तो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हैंडबुक लॉन्च की गई है, और इस हैंडबुक में प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन, निस्तारण और फिर उसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHRC स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अक्टूबर 2021 को NHRC स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बात करें NHRC के बारे में, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और NHRC के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।